आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम जुगराज पंद्राम है, चौरई से हूँ। अच्छा, चौरई से आप आए जी। तो आप ये बताएं कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है नवोदय विद्यालय में? मेरा बच्चा इस बार 7th क्लास में है सर। अच्छा, 7th बी में है जी सर। अच्छा, कौन सा हाउस में रहता है? उदयगिरी J2 हाउस में है। अच्छा अच्छा जी। तो आप का बच्चा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है जी सर। हैं? जी, जी, जी। और आपने बहुत मेहनत की तब आपका बच्चा यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में पढ़ता है। जी सर। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। यहाँ का जो साला परिवार है जी बहुत अच्छा है सर। हमें तो अभी तक कोई भी चीजों का समस्या नहीं आया ना, बेटा हमारा बताता। बाकी सारे शिक्षक गण और प्रिंसिपल सर बहुत कोऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ प्रिंसिपल श्री NL झारिया जी हैं जी, जो बड़े सौम्य हैं। उनका बड़ा स्वभाव सरल है जी, और बहुत बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। और मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल J2 हाउस का हाउस मास्टर भी हूँ और हिंदी पढ़ाता हूँ इस जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में। तो सर आप बताएं, आपने बच्चे की कैसे तैयारी की थी? सर मैं तो कृषक हूँ जी जी जी। मेरा लक्ष्य है, मेरे दो बेटे हैं जी, दोनों केंद्रीय विद्यालय में थे, तो जिसमें ये बड़ा वाला जो है जी 6th क्लास से इधर आ चुका है जी। तो मैं कृषक हूँ, मेरी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है जी, लेकिन फिर भी मेरा लक्ष्य है कि बेटियों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना। और संस्कार जो है परिवार से हम इतना प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छा नाम रोशन करें और भविष्य में जो है उसका फायदा हम लोगों को मिले। हाँ, आप बहुत जागरूक अभिभावक हैं और आप कृषक होने के नाते आप देश की सेवा भी कर रहे हैं। आप अन्न उत्पादक हैं, अन्नदाता हैं इस देश के, और आपकी जो ये सोच है वही आपको आगे बढ़ा रही है। आपका बच्चा, आपके बच्चे का भविष्य, आपका भविष्य सुरक्षित रहे और आप और आपके बच्चे इस देश और दुनिया में नाम रोशन करें। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि जवाहर नवोदय विद्यालय में CBSE बोर्ड है और वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ बच्चा हमारा जाना चाहिए? सर मेरी जो शालियाँ हैं जी, दो शाली यहीं पे पढ़ी हैं जी। तो आज एक असिस्टेंट वेटनरी सर्जन है और दूसरा तहसीलदार है। वाह वाह। तो वहाँ से प्रेरणा मिलती रहती है और मैं तो कृषक हूँ, छोटा सा व्यक्ति हूँ, तो सारा सपोर्ट उनसे मिलते रहता है। और हमारे तो यहाँ जो दो आपकी साली जी हैं जी, तो वो यहाँ कब कब पढ़ी? सर ये तो उनकी शिक्षा दीक्षा मेरे ख्याल से 5-10 साल पहले ही हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी इस बार जो UPSC की परीक्षा में दोनों सफल रही और दोनों की ज्वाइनिंग आज से 6 महीने पहले जो है हो चुकी है। तो इस तरह से आपका भी बच्चा कभी जब यहाँ से पास करके जाएगा तो हम भी उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपकी जो सालियाँ यहाँ पढ़ के गई हैं, जो कन्याएं हमारी रही हैं, तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि वो यहाँ इस विद्यालय के पार्ट रहीं और देश और दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। धन्यवाद सर। आपका गांव कौन सा है, मैंने ये नहीं पूछा? सर मेरा गांव है डुंगरिया, डुंगरिया गांव, तहसील थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो पिछले कहना चाहिए सन 2017 से आप लोगों से मतलब पहचान हुई है मेरी, मेरा बेटा यहाँ पे आया हुआ है और मैं आप सभी साला परिवार के शिक्षक लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि बहुत सारी सुविधाएं बिल्कुल विस्तार रूप से संचालित होती है। हम मेरा बच्चा और अन्य भी साथियों के बच्चे लोग हैं, कभी कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है और यहाँ का जो संस्कार और शिक्षा, हमें पूर्ण विश्वास है सर कि हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे जी। हम लोगों के लिए कहना चाहिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल पे पढ़ रहे हैं और
आप लोगों का हमें बहुत सपोर्ट मिलता है सर। अब मैं क्या बात करूं सर। कोई आपको सुझाव देना हो इस विद्यालय की प्रगति के लिए तो आप हमें बताएं, हम उस सुझाव को अपने प्राचार्य महोदय तक और इस समिति की उच्च पदाधिकारियों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कोई सुझाव हो आपके मन के अंदर तो उसको बताएं। अब सुझाव क्या सर, यहाँ तो मैं सारी चीज़ें बोल चुका हूँ, सुझाव देने की कोई बातें नहीं है सर। अच्छा, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रहा है सर। अच्छा अच्छा, और क्या तो... और सुझाव क्या, अब आप तो गुरु हैं, और क्या सारी चीज़ें जो है हमें ऐसा कुछ रहता तो हम अलग से सुझाव देते सर। अच्छा, ऐसा कुछ हमको लगा ही नहीं है, और कभी भविष्य में ऐसा कुछ रहेगा सर हम बिल्कुल सुझाव देंगे सर। अच्छा, तो इसको यूट्यूब पे डालें, आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। वाह, बहुत 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 धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट, जवाहर नवोदय विद्यालय का एक शिक्षक। धन्यवाद।